वेलकम टू माई YouTube चैनल. आज हम जा रहे हैं मनाली मंदिर की तरफ और मंदिर दर्शन करने, गुफा में दर्शन करने, अपनी शक्ल दिखाने. तो मुझे मनाली पहुंच के 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं. काम के बाद आज मैं पहली बार व्लॉग पसंद आए. और आप देख रहे हैं कूड़े कदम डाल. अभी तो यहाँ से खुशबू नहीं आ रही है, वरना बहुत ही मंदर मंदर खुशबू आ रही है, बट अभी नहीं आ रही. मेरे साथ आप हैं मनाली रामगढ़ी और हम वेट कर रहे हैं अपने फेसों की. तो हम देखते हैं हमें कौन सी बस मिलती है, चार्टी और कोई प्राइवेट बस. और आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं यहाँ, बहुत ज़्यादा क्राउड है. एक टाइम यहाँ सुनसान हुआ करता था. ये देखिए लमाज लोग अपने गुम्बा से कूड़ा लेके यहाँ पे. ये एक प्राइवेट बस आ रही है हिडिम्बा कोच. तो ये हम हैं बस में. ये है बस स्टैंड. तो हम खड़े, पहले हम जाएंगे सियाली महादेव. ये है आपका रोड. इधर से अंदर जाना है आपको मंदिर. आज है संडे का दिन. हम हैं सियाली महादेव की तरफ. हम प्रवेश कर चुके हैं यहाँ पे. धर्मशाला भी है, पहले भी हमारे साथ आ चुके हैं. हम हैं अब मालरोड में. अब हम जाएंगे हिडिम्बा मंदिर की तरफ जाएंगे. आज हमारी मम्मी मेहरबान हो गई है, आखिरी बार शायद हम पैदल आएंगे. हिडिम्बा टेम्पल की तरफ 100 रुपये में ऑटो जाता है आपका हिडिम्बा टेम्पल की तरफ. Thank you.
करूंगा एंड देन आई विल शो। ये बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी है। फाइनली हमने दर्शन कर लिए। अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी टूरिस्ट आए हैं और क्राउड है। अब हम जा रहे हैं घटोत्कच के दर्शन करने। ये देखिए याक की सवारी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है। और सोमिनियर लेना चाहते हैं तो भी। हेलो, वेलकम अगेन। अब हम जा रहे हैं घटोत्कच के दर्शन करने, जो माता हिडिंबा के सुपुत्र हैं उनके दर्शन करने जा रहे हैं। जो आपको पता है महाभारत में उनका क्या है। बस ये एक पेड़ के नीचे है। बलि चढ़ाई जाती है। अगर बलि चढ़ाना है तो पहले जमाने में आदमियों की बलि चढ़ाते थे, आजकल आप पता है जानवरों के लिए। माता जी बड़बड़ा रही है तो हम देखने जाएंगे। यहाँ तो वैसे बहुत ही फूड स्टॉल काफ़ी लगे हैं, काफ़ी रौनक है यहाँ अभी वैसे, और मौसम भी बहुत अच्छा है। तो ये हम जा रहे हैं फूड स्टॉल की तरफ। तो दो हफ्ते में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मोमो खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे वेज। ये है हमारा मोमोज, चटनी। चटनी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, पुदीने वाली चटनी। काफ़ी वक्त एक दिन पूरा करके आना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये देखिए बहुत ही पुराना है ये, वो है डुंगरी वन बिहार। और अगर आप आएंगे यहाँ तो एक दिन पूरा इत्मीनान से आना है आपको। चल पड़े हैं हम अब अपनी दूसरी मंजिल की तरफ।
कपड़े हैं। वापस अपने दूसरी मंजिल की तरफ जो कि है गोम्पा। मनाली में दो गोम्पा है और दोनों गोम्पा में जाएंगे जिन्हें अलग अलग कहते हैं। सारे यहाँ जंगलों से आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल जंगल से गुजरते हुए जा रहे हैं।